हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ Xiaomi Mi Max 2। बॉक्स में आपको मिलता है Mi Max 2, सिम इजेक्शन टूल, कुछ पेपर वर्क, USB टाइप सी केबल और फास्ट चार्जर। इस फ़ोन के साथ आपको ईयरफोन्स नहीं मिलते। इस फ़ोन के 32GB वाले मॉडल की कीमत है 14,000 रुपये और मुझे लगता है इस कीमत पर ये सबसे बढ़िया फ़ोन है। ये फ़ोन 7.6 mm पतला है और इसका वज़न है करीब 211 ग्राम। स्क्रीन के ऊपर आपको मिलता है ईयरपीस। ये ईयरपीस एक तरह से सेकेंडरी स्पीकर का भी काम करता है। स्पीकर के साथ में आपको मिलता है 5 MP का कैमरा और कुछ सेंसर्स। कैमरा के बगल में ही आपको मिलती है LED नोटिफिकेशन लाइट। स्क्रीन के नीचे आपको मिल जाते हैं 3 कैपेसिटिव कीज, टास्क, होम एंड बैक की। फ़ोन के राइट साइड की तरफ आपको मिलता है पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स। फ़ोन के लेफ्ट साइड की तरफ आपको मिलता है हाइब्रिड कार्ड स्लॉट। हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का मतलब होता है या तो आप इसमें 2 सिम्स लगा सकते हैं या फिर 1 सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड। फ़ोन के ऊपर की तरफ आपको मिलेगा IR ब्लास्टर, सेकेंडरी माइक और 3.5mm हेडफोन जैक। फ़ोन के नीचे की तरफ आपको मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर। इस फ़ोन का बैक पूरी तरह से मेटल का बना हुआ है। पीछे आपको मिलता है 12 MP का कैमरा और डुअल टोन फ्लैश। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको पीछे ही मिलता है। अब मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की। इस फ़ोन में आपको मिलती है 6.44 इंच की LCD स्क्रीन जिसका रेजोल्यूशन है 1920x1080 pixels और ये पिक्सल डेंसिटी देता है 342 PPI की। इस फ़ोन में आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। यह स्क्रीन काफ़ी शार्प और काफ़ी क्लियर है पर आपको थोड़े कलर्स वॉश्ड आउट लग सकते हैं। इस फ़ोन के साथ आपको नाइट मोड या रीडिंग मोड भी मिलता है जो स्क्रीन को थोड़ा येलोविश बना देता है। Xiaomi ने Mi Max 2 में दिया है 2 GHz का ऑक्टा कोर क्वालकम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर। साथ ही मिलता है आपको एड्रिनो 506 GPU। जो इस फ़ोन की रैम है वो है 4 GB। ये 3 स्टोरेज ऑप्शंस में आता है 32, 64 और 128 GB। आप इसमें माइक्रो SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं 256 GB तक का। अभी तो ये फ़ोन चलता है MIUI 10 पर जो कि एंड्रॉयड 7.1.1 नूगट पर बेस्ड है। जल्द इस फ़ोन को मिलने वाला है MIUI 10 का सॉफ्टवेयर अपडेट जिसकी मदद से काफ़ी सारे फीचर्स इस फ़ोन में आ जाएंगे। Geekbench पर इसका सिंगल कोर स्कोर था 800 और मल्टी कोर स्कोर था 3000। AnTuTu बेंचमार्क में इसका स्कोर था 60000। ये फ़ोन बिल्कुल भी लैग नहीं करता। इस फ़ोन में सारी ऐप्स और सारी गेम्स काफ़ी बढ़िया चलती है। फ़ोन के पीछे की तरफ आपको मिलता है 12 MP का f2.2 कैमरा और साथ ही मिलती है डुअल LED फ्लैश। ये एक सोनी का सेंसर है और साथ में आपको मिलता है फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस। ये कैमरा 4K रेजोल्यूशन वाली वीडियोज़ भी शूट कर सकता है 30 FPS में। ये स्लो मोशन वीडियोज़ भी शूट कर सकता है 720p रेजोल्यूशन में 120 FPS में। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 MP का f2.0 सेंसर और ये वीडियो शूट कर सकता है 1080p फुल HD में। जो ये फोटोज़ खींचता है वो काफ़ी बढ़िया होती है और डिटेल भी काफ़ी बढ़िया होती है, पर लो लाइट फोटोज़ उतनी अच्छी नहीं होती। उसमें आपको डिटेल्स की कमी महसूस हो सकती है और इमेज में नॉइस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस Mi Max 2 में आपको मिलती है 5300 mAh की बैटरी। ये फ़ोन सपोर्ट करता है क्विक चार्जिंग 3.0 पर इस फ़ोन में कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है। ये फ़ोन लेता है लगभग 3 घंटे पूरा चार्ज होने में। ये फ़ोन आधे घंटे में ही 40% तक चार्ज हो जाता है। बैटरी लाइफ Mi Max 2 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। मैं इस फ़ोन पर लगभग 25 घंटे तक लगातार वीडियोस देख सकता हूँ। अगर आपका यूसेज नॉर्मल है तो ये फ़ोन 5 दिन तक आराम से चल जाएगा। अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की तो आपको इसमें मिलता है 4G LTE, वाईफाई विद मीमो सपोर्ट, ब्लूटूथ 4.2, GPS और आपको इस फ़ोन में FM रेडियो भी मिलेगा। एयर ब्लास्टर की मदद से मैं ये Mi Max 2 यूज़ कर सकता हूँ एक रिमोट कंट्रोल की तरह। Xiaomi ने इसके लिए डेडिकेटेड मी रिमोट ऐप भी दी है इस फ़ोन में। Mi Max 2 हर किसी के लिए नहीं बना क्योंकि इस फ़ोन का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये आपके टैबलेट को भी रिप्लेस कर सकता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है। इसकी स्क्रीन काफ़ी अच्छी है वीडियोज़ या गेम्स खेलने के लिए। इसके जो स्टेरियो स्पीकर्स हैं वो काफ़ी लाउड हैं। इसका जो रियर कैमरा है वो काफ़ी बढ़िया है और ये 4K वीडियोज़ भी शूट कर सकता है। Xiaomi का MIUI काफ़ी बढ़िया चलता है इस फ़ोन पे और बैटरी लाइफ तो है ही 5300 mAh की। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, वो है इसका साइज़। ये फ़ोन आप एक हाथ से तो चला ही नहीं सकते और ये काफ़ी सारे जीन्स की पॉकेट में आराम से फिट नहीं होता। अगर आपको साइज़ का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तो आपको ये कहूँगा Mi Max 2 ही खरीदिए। पर अगर आपको Mi Max 2 नहीं खरीदना तो आप Honor 7X, Moto G6, LG Q6, Samsung का Galaxy ON 6, Vivo V9, Nokia 6.1 और Xiaomi का खुद का Redmi Note 5 Pro भी कंसीडर कर सकते हैं। बस यही था मेरा Xiaomi Mi Max 2 का रिव्यू और मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।